अमेरिकी राष्ट्रपति के कश्मीर मसले पर किए गए दावे और चीनी प्रेसिडेंट के इस मुद्दे पर दिए गए बयान के बाद अब जम्मू कश्मीर एक बार फिर विवादों में है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के एक अधिकारी की कर्मचारियों को खुली चिट्ठी विवादों का कारण बनी है। दरअसल अधिकारी ने इस चिट्ठी में आने वाले दिनों में कश्मीर में तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका जताई है और अपने कर्मचारियों को आगाह किया है कि वो अगले 4 महीनों के लिए राशन इकट्ठा कर लें। आरपीएफ बडगांव के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुदेश नुगियाल ने लंबे समय तक कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण राशन जमा करने को कहा है। इस चिट्ठी के बाद विभाग में खलबली मच गई, जिसके बाद रेलवे को सफाई देनी पड़ी कि इस चिट्ठी का कोई आधार नहीं है। साथ ही इसे जारी करने वाले अधिकारी के पास भी ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार नहीं है। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।